ये क्लच प्लेट लगाइए, लाओ क्लच प्लेट, ये क्लच प्लेट लग चुकी है, उल्टी सीधी देख लेना इसमें ऐसे फिटिंग हुई क्या। अब इसकी ब्रश है प्लेट लगाओ तो ओके। ये अल्ट्रा बोल्ट है, इस तरीके से लगाना चाहिए इनको। लगा रहा है, इसको भी लगा बेटा बोल्ट। समीर दो पैतालीस का तीनों फिंगर मिलाने का तरीका थोड़ा करीब, तीनों फिंगर मिलाने का तरीका देखकर लाना। अच्छा और बढ़िया, तीनों फिंगर मिलाने का तरीका बता रहा हूँ आपको, देखना है तरीका है तीनों फिंगर का। इस तरीके से फिंगर मिलाना आपको, पोजिशन ये देखना है खाली, ऐसे ऐसे उंगली रखना, इस पोजिशन पर रखना। फिंगर मिलाने का तरीका है ये, आधा इंच से कम है थोड़ा। उसके बाद तीनों फिंगर मिल जाए उसके बाद नटे टाइट कर देना। तीनों टाइट हो गई है, पेच कर देना। तीनों नट टाइट करने के बाद एक बार वो पेच कट लगा के देख लेना, सही पोजीशन आ रही है, सही शॉट है। इसमें हेल डालो लगा के सुंदर, ऐसे नहीं डालना है आयल भैया, इस तरीके से डालना है, थोड़ा सा यहाँ पे टपकाना है, ऐसा आयल टपकाना है, पकड़ना। ऐसा आयल डालना है, जैसे फिंगर हिला लेना जिसमें आयल पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद एक चीज़ का तरीका और बताने वाला हूँ आपको, टेप्ड गेट लेके आना, ये टेप्ड गेट है अपना फिंगर गेट। इसकी जो एक फिंगर का तो ये हो चुका है, फिंगर दूसरा फिंगर
ये अपनों को 80 mm से मिलाना है, ये अंदर वाला फिंगर 80 mm से अपनों को इस अंदर वाला फिंगर मिलाना है, अंदर वाला, और बाहर मिलाना है अपनों को आधा इंची में थोड़ा कम, मतलब अपने आधा इंची में थोड़ा कम बनाना है। ये रिलीज करेंगे, ये ना लगता है कले काम करता है इससे, और इस पे दो स्प्रिंग लगती है। ये लग चुका है बेरिंग पूरा लग चुका है। ये अब इसके टुकड़े जुड़े गए। ये कलज में प्ले सेटिंग हो रही है। एक इंच के गैप रख देना दानिश। इसको अंदर कसो जब जाके प्ले होगी। बस बस काफ़ी है, अब लगा दो उसको ऐसा कैसे ही। एक इंची प्ले रखनी है अपने कलच के अंदर। अब देखना इसकी प्ले, एक इंची करीब प्ले हो चुकी है, ये सही हो चुका है कलच कंप्लीट। ओके।